गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है, आज की सुबह तो मेरी इम्फाल में हो रही है, लेकिन आज की नाइट मेरी होगी शायद क्या कंफर्म ही है कि दिल्ली में होगी, क्योंकि अब मैं वापस जा रही हूँ यहाँ इतने ही दिन के लिए, क्योंकि अभी जाना पड़ रहा है। बट यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मिस करूँगी मैं यहाँ के वेदर को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलते हैं, लेट्स सी, रेडी होते हैं। क्या करूं, जा रहा हूँ मैं आज। तो जा जाऊं, ऐसे बोलोगे आप? जा जा, कितने बुरे हो आप। गाइस, तो अब मैं जाने लगी हूँ, ये मेरा बैग है। और यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बारिश आने वाली हो रही है और मुझे डर लग रही है, क्योंकि दिल्ली में पता नहीं कैसा मौसम हो रहा होगा, वहाँ बहुत गर्मी हो रही होगी। तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो ये इम्फाल का एयरपोर्ट है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मेरे को वेट करते हुए भी टाइम हो गया। अभी फ्लाइट में टाइम है, तो ये यहीं बैठ गए मेरे साथ। अभी देखो जनाब क्या लेकर आते हैं। क्या क्या है ये? ये खिलाओगे मुझे? जा रहा हूँ, चल ठीक है। फाइनली मेरा लगेज हो चुका है जमा और मैं हो चुकी हूँ फ्री। अब मैं जा रही हूँ चेकिंग के लिए। मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं जा रही हूँ बोर्डिंग के लिए। हमारी गाड़ी आ गई। कोलकाता उतरेंगे, फिर कोलकाता के बाद फिर दिल्ली के दूसरी फ्लाइट है, तो थोड़ा लंबा ट्रैवल है। साहिल त्रिवेदी के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे हमारे आज के विमान का मित्र पोंजुस्ता कोडेमा नौशी और मैं दिव्या। आज
ब्लॉगिंग चैनल निशा कोरंगा। तो मुझे लग रहा है मैं सबवे खाऊं, पिज्जा हट खाऊं या केएफसी खाऊं, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं वेट कर रही हूं अपने मील का। मुझे लग रही है भूख का स्टीम कोलकाता। तो मुझे मिली आज मेरी एक फ्रेंड खुशबू। तो देखो मणिपुर में भी मुझे एक फ्रेंड मिल गई, बट ये बेसिकली है हरियाणा से। हाँ, बट ये मुझे मिली है मणिपुर में और अब हम साथ ही आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। अब आगे का ट्रिप भी मेरे साथ। बल्कि जोन टू सबसे लास्ट में था, उससे पहले तो जोन वन था। अरे तो स्टूडेंट भी तो हूँ मैं साथ के साथ। अच्छा स्टूडेंट का, ये देखो ना स्टूडेंट। तभी भेजा इसे, तभी भेजा इसे। मैंने भी स्टूडेंट ही लिखाना था अपने। फ्लाइट में भी लाइन लगती है ना अंकल, फ्लाइट में लाइन लगती है ना? लगती है लाइन। तूने दिखाया था, तूने अपना बोर्डिंग पास उसमें रखा था। तू ही तो कह रही थी स्टूडेंट वाला। तो मैंने इसको खुद निकाला है, तुम लोग आलसी हो। सही गाना भैया मैंने, आलसी है ना ये। चुप रहिए आप, ऐसा नहीं करते हैं। इंडिगो वालों के ये दे रखी उन्होंने सुविधा, यूज करो इसका। जब वो खुद ही करके दे रहे तो फिर क्यों यूज करनी। अच्छा ऐसा है ना, मैं भी ऐसी कह रही थी, मजाक में बोला मैंने। मुझे मिल गया था ना ये। भाई मेरी सीट कौन सी थी? हमारे पहाड़ों में मतलब ऐसे धुआं चलता है। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे सीट पॉकेट में रखा गया है। कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांध और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का वो है देखो ऑरेंज वाला शायद, हाँ अभी पता चला पास आके कोई और है। तो फाइनली हम दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं।
गाइस दिल्ली में बहुत गर्मी है, बहुत गंदी वाली गर्मी है सीरियसली, यहाँ इंसान मर जाए ऐसी गर्मी हो रही है। तो दिल्ली की सड़ी गर्मी में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो रही है, जो मुझे पता चल रहा है, जो मुझे फील हो रहा है। इस लाइन पे हूँ जहाँ से मैं जा रही हूँ, मेट्रो लाइन। तो ये एयरपोर्ट की मेट्रो लाइन है, दिल्ली एरो सिटी वाली है। तो अभी मैं जाऊँगी धौलापुर वाली में और फिर मेरे जो प्लान है वो करूँगी। बट फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बन चुका है। तो इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी पर वो मैं दूसरे ब्लॉग में डालूँगी। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे मैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय टाटा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और सब हेल्दी और खुश रहो। बाय।